अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अगर आप ये तीन कंसेक्यूटिव डेज देखें तो यहाँ पे एक तरह से देखें कि डोजीज फॉर्म हो रहे हैं और बियरिश सिग्नल दे रहे हैं। यहाँ पे देखें, बियरिश पिन बार बना है। सबसे पहले तो ये इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ था, इसके बाद फिर इसको निगेट किया या इसकी मजीद कन्फर्मेशन एक बियरिश कैंडल से हुई, इसके बाद फिर मजीद इसकी जो कन्फर्मेशन एक दोबारा शूटिंग स्टार के पैटर्न से हो रही है। मतलब एक तरह से देखें तो मार्केट ये अपसाइड पे कंसोलिडेट हो रही है। दैट मींस के इस एरिया से अगर हम देखें, बल्कि अगर हम ये एरिया ले लें प्राइस सेक्शन के हिसाब से, ये वाला यहाँ पे हमने पहले भी रिजेक्शन विटनेस की थी और मार्केट यहाँ से काफी नीचे आई थी, ये वाला एरिया। इसको मैं लाइन चार्ट कर देता हूं। ठीक है, ये रेड कलर इसको दे देता हूं, ये वाला एरिया जो है स्पेशली ये देखें, यहां पे जो है 41,400 का लेवल है। यहां से हम रेजिस्टेंस और इसके अराउंड या इसके ऊपर रिजेक्शन विटनेस कर रहे हैं। अच्छा, मार्केट देखें, मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा कॉशियस रह के काम करें क्योंकि मार्केट डिच करती है ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट हुए। अब जैसे ये यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे दूं मूविंग एवरेज 200, ठीक है, मैंने ये बाय डिफॉल्ट किया हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये तकरीबन लेवल बनता है 41,500 के अराउंड, और मार्केट ने एक टाइम पे तो यहाँ पे ये देखें 6 मार्च को जो है ये 41,700 का भी हाई किया। तो जैसे यहाँ पे हाई हुआ तो लोगों ने एंट्री लेना शुरू कर दी, गया ब्रेकआउट मिल गया, अब यहाँ से जो है मार्केट अपसाइड नजर आती है। लेकिन जैसे मैं आपको पहले बताया कि डेली चार्ट में जो है कोई भी आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप जो है चार्ट को एनालाइज करें तो उसकी क्लोजिंग जरूर देखें, ठीक है ना। क्लोजिंग बेस पे ही आप जो है ना आप डिसीजन ले सकते हैं कि भाई क्या करना है। अब ये डेली चार्ट जाहिर सी बात है इंट्राडे के लिए नहीं है, वो मैं आप अभी थोड़ी देर में, मैं इसलिए डेली चार्ट बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ से रिजेक्शन आ रही है। और डेली के हिसाब से जो 41,540 का लेवल जो है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना बहुत जरूरी है। सस्टेन का मतलब ये है कि जिस तरह यहाँ से इस तरह कैंडल बने और रिट्रेसमेंट हो, अपसाइड में मूवमेंट भी जाए, फिर नीचे आए, फिर अपसाइड जाए, इसके ऊपर रहे, ठीक है, सस्टेन करे, भले नीचे आए यहाँ पे सपोर्ट ले, हो सकता है यहाँ पे भी इंट्राडे में सपोर्ट ले। जैसा अभी भी काफी हायर चांसेस है कि यहाँ पे जो है ये मार्केट जो है सपोर्ट नीचे ले सकती है 41,300 के अराउंड और 41,100 के अराउंड भी ले सकती है। ये जो लेवल है सीपीआर के वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, 41,540, 41,337 और 41,135। तो ये लेवल्स हैं, अगर इसको राउंड फिगर में कर लें 41,500, 41,300 और 41,100, ठीक है, ये इनिशियल तौर पे जो है डेली टाइम फ्रेम में लेवल है। अभी क्लोजिंग जो है वो देखें सही नहीं आ रही है डेली के हिसाब, जो डे ट्रेड के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि भाई आवली चार्ट के हिसाब से आप डे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है, ठीक है। डेली में अभी आपको आवली बताऊंगा एंट्री कहाँ बनती है, वहां से आप अपसाइड पे एग्जिट हो, अनलेस और अनटिल देखें यहाँ पर ये वैसे तो ये 41,400 आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ना वो सीपीआर का जो अपर लेवल है 41,500 इसके ऊपर जो है मार्केट सस्टेन करना बहुत जरूरी है ऑन डेली टाइम। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है फिर भी आपने देखना है कि नेक्स्ट कैंडल बेरिश तो नहीं बन रही, यहाँ पे इसको निगेट तो नहीं कर रही, क्योंकि देखें ना यहाँ पे देखें यहाँ एग्जैक्टली बहुत अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने एंट्री भी ली होगी क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत वॉलेटाइल भी हो गई थी, लोगों ने कहा चलो अभी अब ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रही है। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे देखें ने अपने यहीं से जो क्लोजिंग थी मार्केट ने वहीं ओपन किया, तकरीबन उसी के करीब हाई किया 42,000 के, और इसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो गई और इसने फिर लो किया 40,000 के तकरीबन। अब इस वक्त जो देखें 40,000 या 39,900 का लेवल जो है ये बड़ा क्रूशल लेवल है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे मैं आपको ये मैं इस हिसाब से बता दूं, ये वाला लेवल जो है इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो ये लेवल इस वक्त जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ये एक सपोर्ट इनिशियली, मैं आपको डेली चार्ट के हिसाब से ये भी बता दूं,
ठीक है, ये वाला इसकी जो नेकलाइन सपोर्ट है, ये समझे ये वाला लेवल जो है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें कई दफा इससे पहले भी ऊपर जाते हुए कई दफा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये रिजेक्शन भी हमने विटनेस किया है, ये वाला लेवल जो है, ठीक है। यहाँ से मार्केट डाउन साइड आई, तकरीबन उसने लो किया 38,100 का, फिर उसके बाद ये यहाँ पर ये वापिस 40,800 पे आई, फिर 40,800 के करीब यहाँ पे काफी दफा रिजेक्शन देगी, एक दो तीन चार और पांचवी दफा इसका ब्रेकआउट मिला है। तो इसी तरह ये बड़ा क्रुशियल लेवल है। और देखिए यहाँ वैसे भी जो है ये 1 मार्च को जो मार्केट यहाँ पर आई और इसके बाद हमने अपसाइड मूवमेंट देखी, यहाँ से एक ये सपोर्ट अच्छा लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 40,000 के अराउंड, ठीक है। अपसाइड पे जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये इस वक्त, वो जिस मैंने आपको मेरे बताया कि इसकी नेक लाइन जो इसका क्लोजिंग है या इसकी ओपनिंग लाइन, ये वाला एक ये रेजिस्टेंस हमें दोबारा भी मिल सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है क्योंकि हमको रिजेक्शन यहीं से हम यहीं देख रहे हैं, रिजेक्शन हमको यहीं से विटनेस हम कर रहे हैं कि ये रिजेक्शन हमको मिल रही है। मैं आपको बता दूं ये इसका ये बहुत से बहुत जो ये आ सकता है, जो इसके नेकलाइन सपोर्ट थी जब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है ये वाली, ठीक है। इसका भी अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिल पाया, ये वाला 41,800 का लेवल, ठीक है। तो अभी जो आपने स्ट्रेटेजी करनी है, सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ। अच्छा, RSI अगर हम देखें तो RSI भी देखें 55 पर है, ठीक है। मार्केट इस वक्त CPR के लोअर बैंड और मिडिल बैंड के दरमियान परफॉर्म कर रही है, अपसाइड पे कंसोलिडेट कर रही है। और यहाँ पे देखें RSI भी देखें, पहले 57 के अराउंड था, फिर इसके बाद 56 के अराउंड, और अभी 56 के अराउंड, 57 56 57 56, इसी तरह मार्केट जो है RSI इसका चल रहा है। तो दैट मींस के मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, थोड़ा कॉशियस रह के काम, अपर साइड पे जो स्पेशली कॉशियस, डाउन साइड भी ऐसे ही होता है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ नीचे डाउन फ्रेस पे डोजेस बन रहे हो तो अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। इसकी कंफर्मेशन पे कैंडल करेगी, या बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल। देखिए यहाँ पे लोअर साइड पे मार्केट कंसोलिडेट करती रही, ठीक है, एक बुलिश कैंडल इसको इसकी कंफर्मेशन दी और अपसाइड हमने यहाँ से मूवमेंट देखी। तो चलिए हम आते हैं अब आवली चार्ट की तरफ। आवली चार्ट से जरा पिक्चर और जरा क्लियर हो जाती है क्योंकि वहां डोजीज बन रहे हैं, तो ऐसा सच में इतना कोई अभी नजर नहीं आ रहा, क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही, ठीक है। अब आवली चार्ट में मैं आपको बता दूं कि देखें यहां से मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये शेयर किया था आपको, ये बनाया था ये ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए, ये देखें मैंने आपके साथ ये शेयर किया था, ये अब इस एरिया से इस वक्त मार्केट बाहर निकल चुकी है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है। अब आप देखें तो ये एक समझे इसी के अकॉर्डिंगली, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली मार्केट परफॉर्म कर रही थी, ये एक सपोर्ट एरिया बनता जा रहा था ये ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है। अब इसके बाद जो है मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, ये तकरीबन समझे 6 मार्च को, और 6 मार्च के बाद से देखें मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई है। अच्छा, इसकी एक और चीज भी मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे अपसाइड पे जा रहा है ना, मैं आपको यहाँ से ये मैंने उस वक्त भी बताया था कि डाइवर्जेंस देखें यहाँ पे, ये अपसाइड पे जा रही है मार्केट, लेकिन RSI पे डाइवर्जेंस आ रहा है जिसकी रिलायबिलिटी हाई होती है, ठीक है। तो इसके बाद से देखिए ब्रेकआउट भी देखा, मार्केट नीचे इसके नीचे यहाँ पे इसी लाइन पे ही 41,400 पे कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन यहीं पे मूवमेंट आ रही है, आप ऊपर नीचे देखें, जिस तरह मैंने कहा ना इन दोनों बैंड के दरमियान ही मार्केट परफॉर्म कर रही है, 41,337 और 41,540। तो ये समझिए यहाँ पे 200 पॉइंट का है, 200 पॉइंट के दरमियान मार्केट अप साइड डाउन साइड मूव कर रही है, तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करें, कोई डाइवर्जेंस आया हुआ, डाइवर्जेंस के बाद साइडवेज होना बड़ा मुश्किल है, यहाँ से अप साइड मूवमेंट दिखाना, क्योंकि ये लेवल फिर वही मैंने आपको जैसे बताया कि 41,800 को फिर जो है इसके ऊपर परफॉर्मेंस मिलना बहुत जरूरी है, या इवन मैंने आपको डेली चार्ट के हिसाब से 41,600 जहाँ से हम रिजेक्शन देखें, यहाँ से बहुत हायर साइड पे जाती है तो यहाँ पे हम रिजेक्शन देखते हैं 41,600 41,500, ये अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो ये 41,500 जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना 41,540, वही राउंड फिगर में 41,500 का लेवल जो है
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह मैंने आपसे साहब अभी शेयर किया है, उसी को देखते हुए अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। और 39,000, आई रिपीट, 39,000 अभी भी जो है वो एक्सपोज है, अनलेस और अंटिल 41,800 के ऊपर मार्केट परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है, या 41,600 के ऊपर मार्केट परफॉर्म नहीं करती है। परफॉर्मेंस का मतलब एक वीक तक जो है कम से कम जो है इसको इसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है। हम यही देखते हैं ड्यूरिंग द वीक बहुत मार्केट वॉलेटाइल रहती है, जैसा ब्रेकआउट मिल, मैंने आपको बताया ब्रेकआउट भी मिलता है, लेकिन जब वीक हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखते हैं तो वही अगेन हम जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी डिक्रीज देखते हैं, वॉल्यूम में भी डिक्रीज देखते हैं, फिर इसके बाद जो है कोई बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही होती है या डोजी अपसाइड पे फॉर्म हो रहा होता है वीकली चार्ट पे। तो कल इंशाल्लाह कल वीक का लास्ट डे है, इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीकली। लास्ट वीक का भी शेयर किया था मैंने आपसे, उस पर भी मैंने कहा था कि थोड़ा कॉशियस रह के काम करें वीकली पे, कोई अभी ऐसा ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है अपसाइड के लिए, बेरिश बल्कि इंस्टेड ऑफ बुलिश सिग्नल हमें बेरिश सिग्नल ही देखने को मिल रहे हैं ऑन मंथली चार्ट एज वेल। तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया है प्राइस एक्शन के हिसाब से और ट्रेंड लाइन के हिसाब से, तो इसी के हिसाब से अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।